इस वक्त बिहार में हूँ और गंगा घाट पर खड़े होकर एनकाउंटर के हर उस मुद्दे को, उस सियासी मुद्दे को उठाएंगे, हर वो सियासी सवाल जो इस राजधानी में जरूरी है। पटना में मौजूद हूँ, लेकिन सोचिए बिहार की राजनीति, गंगा के चारों ओर बसे इस बिहार की राजनीति हर वक्त तीन चार चेहरों के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन अब ये राजनीति क्या नई पौध की तरफ बढ़ रही है। जी हाँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक तरफ महागठबंधन अपने चेहरे के तौर पर तेजस्वी को अपनाएगा क्या, एक तरफ बीजेपी और जेडीयू क्या एलजेपी के चिराग को बुझाने में लगी हुई है, क्योंकि लगातार एलजेपी का वो चेहरा जो युवा चेहरा कहा जा रहा है, क्या उस युवा चेहरे के हाथ में कमान आ पाएगी, महागठबंधन की बात क्या सही साबित हो पाएगी, या ये कहें कि बिहार की राजनीति, बिहार की राजनीति की धुरी फिर से अलग अलग दल में बट जाएगी, क्या बिहार का विकास अलग अलग दल मिलकर कर सकते हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी जेडीयू अभी तक ये साबित नहीं कर, ये अभी तक बता नहीं पाए कि एलजेपी को कौन सीटें देगा। खबर यह है कि मांझी की पार्टी को जेडीयू अपने खाते में से सीटें देगी, तो एलजेपी को बीजेपी को सीटें देनी पड़ेंगी। महागठबंधन में से जहां अलग अलग करके अलग दल जो है वो बाहर होते गए, जिनको महागठबंधन के चेहरे के तौर पर तेजस्वी सर्वसम्मति से नहीं मंजूर थे, वो वीआईपी पार्टी भी कल अलग हो गई। मुकेश सहनी से जब मैंने बात की आज, तो उन्होंने कहा कि हम सारे ऑप्शन खुले रखेंगे, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ। तो क्या अभी तक सीटों के शेयरिंग फॉर्मूले पर ही सुलह नहीं हो पाई है? क्या यहाँ युवा चेहरों को जनता अपना पाएगी, क्योंकि एक तरफ 15 साल के जंगल राज पर लगातार जेडीयू, बीजेपी और एनडीए हमला करता रहा, कहता रहा विकास नहीं हुआ, तो दूसरी तरफ अब तेजस्वी महागठबंधन की बात करते हुए युवाओं के साथ होने का दम भर रहे हैं। देखना यह है कि आज इस बिहार में जब जहां हर चैप्टर चुनाव से जुड़ा है, जहां की रग रग में राजनीति बसती है, क्या वहां अब भी विकास की राजनीति की तरफ कोई नहीं सोचता? कई सारे सवाल होंगे, मेहमान हमारे साथ सारी पार्टीज के होंगे, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। बिहार चुनाव से पहले उठा पटक जारी है। लंबे समय से जारी सीट शेयरिंग का पेच महागठबंधन ने सुलझा तो लिया, लेकिन सीटों के फॉर्मूले से वीआईपी के मुकेश सहनी नाराज हो गए। मुकेश सहनी ने मनचाही सीटें न मिलने पर महागठबंधन से किनारा कर लिया। अब सहनी नए गठबंधन को एक्सप्लोर करने में लगे हैं, लेकिन एनडीए में सीटों को लेकर माथापच्ची अब भी जारी है। एलजेपी के चिराग पासवान 40 से ज्यादा सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन कर चिराग पासवान से अस्पताल में भर्ती राम विलास पासवान का हाल जाना। पीएम मोदी के फोन से क्या चिराग अपना हट छोड़ेंगे, एलजेपी की बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा। इस बीच सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। जेडीयू 122 और बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एलजेपी मांगती है तो उसके कोटे की सीटें दे सकती है, जबकि जीतन मांझी की हम पार्टी को जेडीयू अपने कोटे से सीट दे सकती है। हालांकि बीजेपी ने अब भी उम्मीद छोड़ी नहीं है और कोशिश हो रही है कि चिराग पासवान को मना लिया जाए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर मैराथन बैठक में सीटों के बंटवारे से लेकर चुनाव जीतने की रणनीति पर चर्चा हुई। दिल्ली में जारी लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक में ये तय हो जाएगा कि पार्टी एनडीए में रहेगी या अपनी अलग राह पकड़ेगी। एलजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक कल स्थगित कर ली गई थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज शाम संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में संसदीय बोर्ड के सभी सदस्य मौजूद होंगे और जिस तरीके से रामविलास पासवान के अस्वस्थ होने की खबरें आ रही थी, वो उसी के रामविलास पासवान की तबीयत बिगड़ी और संसदीय बोर्ड की बैठक स्थगित कर दी गई थी। लेकिन हालांकि चुनाव नज़दीक है, चुनाव को गंभीरता से लेते हुए चिराग पासवान ने दोबारा से संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है और लोजपा आज ये जरूर फैसला कर लेगी कि आखिर लोजपा अकेले 143 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है या लोजपा एनडीए में शामिल हो जाएगी। इस बीच महागठबंधन छोड़ने वाले वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी ने उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव के साथ मिलकर गठबंधन बनाने के संकेत दिए हैं।
मुकेश सहनी ने ये भी तय किया है कि एनडीए और महागठबंधन जहां भी अति पिछड़े उम्मीदवार खड़े करेगा वहां वीआईपी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी से बात हुआ, माजी जी सॉरी वो अपना पप्पू जी से बात हुआ, और भी कई छोटे बड़े दल है, सबसे बातचीत चल रहा है कि एक बड़ा मोर्चा हम लोग बनाया जा सकता है। तो हमें भी लगता है कि एक बड़ा मोर्चा थर्ड फ्रंट बनाया जा सकता है, लेकिन सब मिल जाए। अगर सब नहीं मिलते हैं तो हम किसी एक के साथ नहीं जाएंगे, फिर हम अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। इस बीच मुकेश सहनी के महागठबंधन छोड़ने पर आरजेडी ने हमला बोला है। उनको सम्मान दिया, हमारे नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 144 में हम वीआईपी पार्टी को मुकेश सहनी जी की पार्टी को देंगे। अब इसमें उनको क्या हुआ ऐसा जो वो इसका मतलब सुनियोजित तरीके से उन्होंने ये किया, उनका ये पूरी तरह से प्लांट था, ये किसी न किसी साजिश। जेडीयू ने मुकेश सहनी के बहाने आरजेडी पर निशाना साधा। एनडीए में कोई किसी को धोखा नहीं देता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बुलाता नहीं है, उसके बाद घोषणा नहीं करता है। तनातनी है, सीटों की बातचीत है, नहीं बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी बनेगी, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करना तो हम लोग जानते हैं, एक दूसरे को बेइज्जत नहीं करते। चुनाव सरगर्मी बढ़ने के साथ ही बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो रहा है, लेकिन फिलहाल निगाहें बीजेपी और एलजेपी पर है, जिनके फैसले पर बिहार में एनडीए का भविष्य निर्भर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या ये पार्टियां अपने ही भविष्य को और अपने ही अस्तित्व को यहाँ पर खोज रही हैं, या फिर ये कहा जाए कि इस बिहार की जनता का भविष्य ये पार्टियां तय भी कर पाएंगी कि नहीं, क्योंकि खुद में ही उलझे हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस से यहाँ पर चंद्र प्रकाश जी हैं, आरजेडी से मृत्युंजय जी हैं, अभिषेक जी हमारे साथ बीजेपी से, अखिलेश जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, और अब से कुछ देर में हमारे पास आरएलएसपी के भी नेता होंगे, हमारे पास जीतनराम मांझी की पार्टी हम पार्टी से भी हमारे जो प्रतिनिधि है वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सबसे पहले मृत्युंजय जी ये बताइए, आप दम भर रहे थे कल इसी डिबेट में खड़े थे, एनकाउंटर में ही कह रहे थे 12 करोड़ की जनता हमारे साथ है। भैया आपके साथ तो आपकी पार्टी के लोग भी, महागठबंधन के लोग भी नहीं रहे, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिए कि हम आपके साथ नहीं है, वो कह रहे हैं आप धोखा दे रहे हैं उनको। जनता ने नहीं कहा है। हाँ। हमने कल क्या कहा आपको? हाँ। बिहार की 12 करोड़ जनता के दिलों का विश्वास हमने जीता है तेजस्वी यादव जी ने। अब जो लोग निजी स्वार्थ के लिए इधर से उधर करेंगे तो जनता फिर उनको पटकनी दे करके 10 नवंबर वो कह रहे हैं हमें डिप्टी सीएम बनाने का वायदा कर रहे थे, उसकी घोषणा नहीं की, वो कह रहे हैं हमें 25 सीटें देने का वायदा कर रहे थे, मैंने खुद बात की उनसे, उन्होंने कहा हमें वो भी धोखा दिया। आप धोखा काहे दिए? अगर आप 12 करोड़ जनता पर भरोसा करते हैं, जनता पर, तो आप अकेले लड़िए महागठबंधन में क्यों? जवाब सुन लीजिए, 24 घंटा अभी नहीं हुआ है, 24 घंटे पहले तक वो क्या कह रहे थे, दुनिया के सबसे अच्छे नेता थे तेजस्वी यादव। हाँ। सारी अच्छाइयां दुनिया की तेजस्वी यादव में थी। हाँ। और जब उनका निजी स्वार्थ पूरा नहीं हुआ। हाँ। तो 24 घंटा में कैसेट बदल दिए। हाँ। अरे ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये चरित्र चाल चरित्र। आप कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता उनके निकलने से? कोई फर्क नहीं पड़ता, वीआईपी पार्टी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाए, बिहार की जनता हमारे साथ आ चुकी है और बिहार की जनता तय करे। ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस ने ज्यादा सीटें ली हैं आपसे दबाव बना के। चंद्र प्रकाश जी, 70 सीटें दे दी आपको, लालू जी होते तो देते क्या गठबंधन में 70 सीटें आपको? अब देखिए, आप भी अपनी शर्तों पे सीटें लिए हैं सर। ये बहस का मुद्दा नहीं है कि 70 सीट कांग्रेस को क्यों मिला, कांग्रेस ने दबाव दे के लिया। देखिए, जब गठबंधन महागठबंधन की बात है। हाँ। और जब एक बार सीट तय हो गया। हाँ। तो ये आपसी सद्भावना है, आपसी बातचीत के द्वारा ये तय हुआ है। तय करने के दौरान हाँ। कुछ बात हो सकती है। हाँ। कुछ हो सकता है बार्गेनिंग। हाँ। कुछ हो सकता है मेल जो तौल कुछ हो सकता है। हाँ। लेकिन जब एक बार सीट तय हो गया तो कोई आरजेडी कोई कांग्रेस में एक दूसरे के प्रति कोई दबाव नहीं है। ये महागठबंधन जो बन चुका। हाँ। और जो सीट का अलायंस हो गया, अनाउंसमेंट हो गया, इसके बाद सीधे हम लोग चुनाव मैदान में मिलेंगे। महागठबंधन में कोई दम नहीं है, इस बात में कोई दम नहीं है।
इस बात में कोई दम नहीं है। चाहेंगे आरजेडी के प्रवक्ता जी से, जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जी के अहंकार के कारण, उनके ईगो के कारण जनता उन्हें पतन की, 2020 में भी वही ना हो जाए। अहंकार, अहंकार कैसे, अहंकार कैसे, कौन सा अहंकार? अहंकार है कि ये छात्र युवाओं के साथ नहीं आते हैं। वो युवाओं की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो इस बार युवा सरकार लाएंगे, युवा सरकार। आप पटना में खड़े हैं, पटना में बाढ़ आई थी 2019 में, तेजस्वी यादव जी कहाँ खड़े थे? कहाँ खड़े थे भैया, कहाँ खड़े थे? क्योंकि आप युवा सरकार की बात कर रहे हैं। उनकी भावनाओं का हम कद्र करते हैं, वर्कर होंगे किसी पार्टी के, वो अपना भावना कर रहे हैं। ड्यूटी सरकार की खड़ा रहने की थी, उनका क्वेश्चन एकदम गलत है। सरकार में नीतीश कुमार थे, तेजस्वी यादव नहीं थे। सरकार में नीतीश कुमार थे, नीतीश प्लस बीजेपी, नीतीश प्लस बीजेपी। यहाँ पर अखिलेश अभिषेक जी हमारे साथ हैं। सर ये बताइए कि उनका महागठबंधन तो टूटे जा रहा है, आपके यहाँ भी तो एलजेपी का चिराग बुझ रहा है, उसको क्या बीजेपी जेडीयू मना नहीं सकती है? बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए शुभ समाचार मिलेगा, बिहार की जनता के लिए शुभ समाचार, जनता के लिए मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार की जनता के लिए शुभ समाचार मिलेगा, लेकिन बिल्कुल बिहार की जनता के लिए शुभ समाचार मिलेगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। यहाँ पतझड़ नहीं है, जिस प्रकार के पतझड़ की तरह पत्ते टूट रहे हैं, उस प्रकार से ये जो टूट करके एक एक लोग जा रहे हैं, अपने सहयोगियों को संभाल नहीं पा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड भी इनके साथ था, उसको संभाल नहीं पाए, जीतन राम मांझी जी को संभाल नहीं पाए, उपेंद्र कुशवाहा जी को संभाल नहीं पाए, मुकेश सहनी जी को संभाल नहीं पाए, और चंद्रिका यादव जी को भी संभाल नहीं पाए, जो उनके परिवार के संबंधी थे, संभाल नहीं पाए। उनका अहंकार और जिस प्रकार से अपने बुजुर्गों का, जिस प्रकार से अपने बुजुर्गों का अपमान वो करते हैं, और ये उनको जो उनको बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उसी का परिणाम है कि 2019 में जनता ने उन्हें सबक सिखाई थी, फिर से सबक सिखाएगी, और 2019 का परिणाम बिहार के अंदर पुनः दोहराया जाएगा। अरे बुजुर्गों का सम्मान करना जानते हैं, गंगा के बीजेपी को बुजुर्गों का सम्मान दिखाने का जरूरत नहीं है। पार्टी से एक मिनट, ये मांझी जी की पार्टी से है, क्या अलग इसीलिए हुए थे कि अपमान हुआ था, क्या अलग इसीलिए हुए थे? आप देख लीजिए कि जब वहाँ नाय लेकर के मुकेश सहनी वहाँ थे, तो नाय लेकर के निकल गए, तो नाय पर अब कोई सवार कहा, नाय तो निश्चित रूप से डूबना ही डूबना है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। सवाल है 12 करोड़ की जनता का, जब हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी बाढ़ में निकले थे, ट्रैक्टर पर उन्होंने जाकर के लोगों गरीब गुरबा का सेवा किया, और कहा मतलब कि मान लीजिए हम लोग सत्ता में थे वो अलग बात है, लेकिन वोट तो आप सब लोग को चाहिए, आप लोग भी चाहिए था कि गरीबों की चिंता करें, जो डूब के मर रहे हैं, जो भूखे मर रहे हैं, उनका भी चिंता निश्चित रूप से आप लोगों को करना चाहिए था। इसलिए कहीं ना कहीं अपमान होकर कहीं यहाँ से निकले हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और मैं तो हमेशा चाहूंगा कि जितने भी जो भी अपमानित वहां हो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने सम्मान के लिए रास्ता भी ढूंढना देखना चाहिए। अगर ऐसी खबर है तो फिर उसके बाद हमारा नेतृत्व तय करेगा, और जिस प्रकार से जो सीटों का बंटवारा होगा, हम चुनाव के मैदान में जाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से अगर कोई उस डूबती हुई कश्ती पर सवार होगा, तो उसका हश्र तो सबको पता है कि अगर कोई डूबती हुई कश्ती पर सवार होगा तो उसका हश्र पता है कि जहां कश्ती किसे कह रहे हैं आप जो मिलावटी गठबंधन है वो महागठबंधन नहीं है। महागठबंधन तो उसी समय समाप्त हो गया जिस समय जनता दल यूनाइटेड रूप से निकल गया। महागठबंधन कहां है? लेकिन वो जो गठबंधन है महामिलावटी, और जिस डूबती हुई कश्ती है उस डूबती हुई कश्ती का डूबना तय है, उस पर तो जो सवार होगा उसका जाना तय है। सब युवा है यहाँ, इन युवाओं को किस पे भरोसा होगा? देश की राजनीति युवाओं के हाथ में जाए, देश की राजनीति। 30 सालों से इन लोगों ने छोटका मोदी और बड़का मोदी के नाम पर लूटा है बिहार को। बिहार को बतौले बाजी नहीं चाहिए, विकास चाहिए। बेरोजगारी से, मजदूर के पलायन से, बाढ़ से, सुखाड़ से बिहार को बतौले बाजी नहीं चाहिए, विकास चाहिए। ये लोग सिर्फ बतौले बाजी और गठबंधन के सहारे। नहीं, एक बात बताइए, तेजस्वी यादव युवा है, चिराग पासवान युवा है, किस पे भरोसा है आपको? मैम किसी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि जब युवाओं की जरूरत की बात पड़ती है तो कोई उठाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मुझे सिर्फ पप्पू यादव पे भरोसा है। ये पप्पू यादव की बात कर रहे हैं, एक मिनट।
नीतीश कुमार पर से पूरे बिहार के एक एक युवा का विश्वास उठ चुका है। बिहार का युवा भूला नहीं है कि सृजन का चोर कौन था। बिहार का युवा भूला नहीं है कि मुजफ्फरपुर हत्याकांड का, मुजफ्फरपुर में जो बालिका का। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। उन्होंने कह दिया कि एनडीए का मतलब अभी आपको सूचना मिल गई, ये निगेटिव डिफेक्टिव अलायंस है। जनता ने इनको जनादेश नहीं दिया था, ये जनादेश चोरी करके सत्ता में आए थे। चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर बता देती हूँ। जेडीयू के खिलाफ अपना उम्मीदवार एलजेपी खड़ा करेगी, बीजेपी के खिलाफ नहीं। आरोप लग रहे थे आप लोग करवा रहे एलजेपी से, एलजेपी से सब आप लोग करवा रहे एलजेपी से सब। देखिए देखिए इस खबर का मतलब क्या है? इन्हीं का खेल है पूरा, आपका खेल है पूरा खेल, इनका खेल है। तो जीतनराम मांझी का खेल किसका था? जीतनराम मांझी का खेल किसका था? जीतनराम मांझी के माध्यम से आप जिस प्रकार से कराते हो किसका खेल था? 12 करोड़ जनता गंगा में आपको डूब के मर जाना पड़ेगा, क्योंकि इस गंगा में आप एक पुल नहीं बनवा पाए। 62 लेन बनने वाला है इसी गंगा पर, इसी गंगा पर 62 लेन बनने वाला है। इसमें डूब के मर जाना चाहिए आपको, डूब के इसलिए मर जाना चाहिए कि बिहार के नौजवानों, बिहार के डॉक्टर और इंजीनियर आपके अपहरण उद्योग के रोल में करियर हुआ करते थे। अपहरण उद्योग का रोल में करियर हुआ करते थे। अपने उम्मीदवारों को उतारेगी एलजेपी, बीजेपी के सामने नहीं, लेकिन जेडीयू के सामने उम्मीदवारों को उतारेगी। आप पर आरोप ये लग रहा था, लगातार लग रहा था कि बीजेपी ही एलजेपी से ये खेल करवा रही है। आरोप सही होगी, नीतीश कुमार को डंप करने के लिए करवा रही है। अगर ऐसा है तो नीतीश कुमार क्यों हमारे साथ हैं? हमारे साथ नीतीश कुमार हैं। अब ये क्यों चुनाव के बाद क्या ये चुनाव के बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे अपने बारे में सोचिए। चुनाव के बाद 19 के तरह ऐसा नहीं कि बिहार से साफ हो जाइए, 19 के तरह बिहार से साफ नहीं हो जाइए, इसकी चिंता करिए। अरे 40 में से एक सीट बिहार में नहीं जीत पाए, अभी भी दम भर रहे हैं। गंगा जी के शुद्ध पानी अभी भी दम भर रहे हैं आप। जनता साफ करेगी। एनडीए का अभी तो ये निगेटिव डिफेक्टिव बता रहे थे, लेकिन अभी आपने सूचना दिया तो अब लगता है कि नाव तो लेके वो चल ही गए, बता ही रहे हैं। तो हम लोगों का तो नावे नहीं है तो डूबेगा कहाँ से? अरे भैया तो आपके साथ भी तो नहीं खड़े ना लोग, नाव अरे आपके कुछ नाव हो गए, आप ये आज ही अपमानित हो गए। मुकेश सहनी आज मुझे कह रहे हैं कि उनके बीच में छुरे को पहने जाते हैं वहाँ से, ये किसी को संभाल नहीं पाए। कांग्रेस छोड़ के उनको नई पार्टी है, उनको कोई डिप्टी नहीं बनाएगा। अपमानित हुआ नहीं अपमानित हुआ ये अलग बात है, लेकिन बिहार के छात्र युवा जरूर अपमानित हुआ है इस सरकार में। 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में होता है, हर एग्जाम में पर्चा लिख होता है, दरोगा बाली हो, बीएसएससी हो, बीपीएससी हो या सरकार में। जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए, मुद्दों पर तो बात होगी, जवाब दीजिए। मुद्दों पर बात होगी और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात ठीक है। अगर मैं इनसे जरा एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं इनकी उम्र कितनी है, मैं इतनी की कितनी उम्र है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि जिस समय एग्जाम ही नहीं होता था, जिस समय एग्जाम ही नहीं होता था उसकी बात कीजिए, जिस समय एग्जाम ही नहीं बिहार के अंदर हुआ करता था उसकी बात कीजिए, जिस समय वैकेंसियां नहीं निकलती थी उसकी बात करिए, जिस समय वैकेंसियां नहीं निकलती थी उसकी बात करिए। आज रोजगार है, जो काम करना चाहे उसके लिए रोजगार है। हमने रोशन बनाई है, हमने पुल बनाया है, हमने भवन बनाया है और उसमें रोजगार है, नरेंद्र मोदी रोजगार है। हम तमाम युवाओं के तरफ से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। ये दो जो अपने महागठबंधन एनडीए दोनों से नहीं, कि कोरोना के विषम परिस्थिति में, कोरोना के संकट काल में ये बड़े बड़े कांग्रेस के नेता, आरजेडी के नेता कहाँ थे? पहला प्रश्न। दूसरा, जब नॉर्थ बिहार डूब रहा था, एक मिनट, अरे मैं नॉर्थ बिहार डूब रहा था, ये लोग कहाँ थे? जवाब दे। मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ सुनिए। अरे मैं जवाब देता हूँ, तेजस्वी यादव कहाँ थे कोरोना के संकट में? मैं जवाब देता हूँ, एक भी हॉस्पिटल का दौरा किए हैं? अरे बात सुनिए ना, एक भी हॉस्पिटल का दौरा किए हैं तेजस्वी यादव? सुनिए, ये गए हैं, बिल्कुल गए हैं। अरे कुछ बिल्कुल नहीं, गए हैं, रिकॉर्ड पर है, तो कोरोना महामारी बिल्कुल हम गए हैं। और बिहार की जनता की सेवा किया है हमने, जवाब सुनिए, में भी जनता के बीच रहने का काम किया।
कोरोना महामारी को अवसर बना लिया और नीतीश कुमार जी पूरे कोरोना लॉकडाउन नरेंद्र मोदी जी कहा थे इतना ही नहीं वो नहीं दिख रहा था तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि छात्रों को लाना है मजदूरों को लाना है नहीं नहीं बात करने की मैं जो छोड़ रहा हूँ बात को सुनिए अरे ये हल्ला कर रहे हैं नरेंद्र मोदी ने मजदूरों को बिहार के अंदर लाने का काम किया बात सुनिए नरेंद्र मोदी ने बिहार के अंदर मजदूरों को लाने का काम किया थाली पिटवा दिया थाली पिटवा दिया नरेंद्र मोदी ने पिटवा दिया जब एक हजार लोग संक्रमित थे तो ताली या थाली पिटाया 65 लाख संक्रमित है पूरा खुल गया तो ये कोरोना को अवसर बना करके जनता को लूट रहे हैं ये कोरोना का अवसर बना के जनता को लूटने का काम बिहार से लेके केंद्र सरकार ने किया है 1000 लोग संक्रमित थे तो नरेंद्र मोदी ने थाली पिटवाया ताली पिटवाया शंख पिटवाया अब 65 लाख जब संक्रमित है तो लॉकडाउन खुल गया और इसी कोरोना के ये में जितने लोग आ रहे थे बिहार के 30 लाख जो प्रवासी मजदूर कौन लाया उसको आने के लिए कैसे आए बिहार के अंदर मैं बता रहा हूँ सुन लीजिए बताइए मैं बता रहा हूँ बता दीजिए बिहार के अंदर किस मैं बता रहा हूँ प्रवासी मजदूरों को अगर इस देश में दो ही फिलन है एक फिलन दिल्ली में नरेंद्र मोदी और दूसरा फिलन नीतीश कुमार जिन्होंने रोका प्रवासी मजदूरों को रोका नहीं आना है नहीं आना चाहिए कांग्रेस लाई कांग्रेस ने आवाज उठाई सोनिया गांधी राहुल गांधी ने आवाज उठाने से क्या होता है आवाज नहीं ट्रेन उठाने से क्या होता है ट्रेन सड़क पर आप कहाँ थे कराया लोगों को बोलेंगे इन्होंने प्रवासी मजदूरों से पैसा वसूला ट्रेन में खाना का पैसा वसूल करके उनको पॉकेट में पैसा दिया ये क्या बात करेंगे और यहाँ में जो मजदूर आए उनको पॉकेट में पैसा दिया कुमार ने कहा रोजगार देंगे कहाँ रोजगार दिया एक प्रवासी मजदूर को कहाँ रोजगार सेंटर में जो लोग आए उनको पैसा दिया गया है कपड़ा दिया गया है खाली भाषण रोजगार इनके भाषण से तो जनता को राशन मिला नहीं भूख और प्यास से जब बाढ़ पीड़ित बिलक रहे थे तड़प रहे थे और जब पैदल चल रही थी गर्भवती महिलाएं 1000 किलोमीटर कहाँ थे उस समय में दिल्ली दिल्ली के रेस्टोरेंट में आराम कर रहे थे चिल्लाने से दिल्ली के रेस्टोरेंट में आराम कर रहे थे मैं पूछता हूँ आरजेडी कहाँ थी नीतीश जी नहीं थे आरजेडी कहाँ थी सिर्फ पप्पू यादव जी साथ थे और पप्पू यादव जी ने घर घर जो सत्ता में थे उनसे पूछे मतलब रेस्टोरेंट में आराम करना भाई मेरे तेजस्वी यादव ने अपना आवाज दे दिया था कोविड के लिए नेता फार्म हाउस में पार्टी कर रहे अपना आवाज दे दिया था कोविड के लिए उधर जवाब ले लीजिए हम दे देते हैं सिर्फ पप्पू यादव घर घर पहुंच करके पानी खाना नीतीश कुमार सुशील मोदी ने हम आज तक में देखे थे सुशील मोदी खुद कहा कि हम असमर्थ है बाहर से शिक्षा का मजदूर को लाने के लिए वो क्या बिहार की विकास की बात करेगा अरे कौन लाया तब बिहार के मजदूरों को कोई नहीं ट्रेन चलाए तब आया ट्रेन चला तब आया ट्रेन चलाए ट्रेन किसी मोदी जी का ट्रेन हो जाएगा तो झूठ मत बोलिए ट्रेन मोदी जी ने एक सेवक के रूप में लगभग 2.5 करोड़ मजदूरों को बिहार में लाया 101 ट्रेन चलाकर एक मिनट क्या ये चुनाव इस वक्त बहुत बहुत मुश्किल दौर में है क्योंकि ना ये एनडीए के लिए आसान होगा ना ये महागठबंधन के लिए आसान है कहना क्या ये माना जाए कि इस बार चुनाव बहुत मुश्किल है क्या आप मान रहे हैं चुनाव बहुत मुश्किल है इस बार देखिए चुनाव जो है बहुत मुश्किल नहीं है ये बिहार की युवा जो है कहीं ना कहीं विकसित बिहार को देखना चाहता है बिहार के युवा जो है अपने खुद को जीवन सुरक्षित महसूस करना चाह रहे हैं मेरा जो है जीवन सुरक्षित रहे इसलिए 15 साल पीछे नहीं जाना चाह रहा बिहार के युवा मैं छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ ब्रेक में जाने से पहले फिर बता दूं जहां जिस बिहार में युवा सरकार और युवा चेहरों की बात हो रही है उन युवा चेहरों पर क्या भरोसा कर पाएगी बिहार क्या भरोसा कर पाएंगे बिहार के लोग और सबसे बड़ी बात ये गंगा का घाट जो हर व्यस्तति को ऐसे ही देखता है ये लड़ती जनता ये बात करते हुए भाषण देते नेता क्या बिहार की जनता का भरोसा जीत पाएंगे एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक में जाने से पहले
या घर पर अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान का ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर करिए क्लिक और देश और दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर। बिहार चुनाव इस वक्त सियासत जो है वो उबाल मार रही है। गंगा नदी के छोर पर ठंडी हवाएं चल रही है, लेकिन ये बिहार का विकास लटकता नजर आ रहा है। पता नहीं इसकी घोषणा पहली सरकार के दरमियान की गई थी, बख्तियारपुर तक जाना था इस मरीन ड्राइव को, अभी तक गया नहीं है। हमारे साथ मेहमान बने हुए, लेकिन इस सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात ये कि अब जहां माना जा रहा था कि एनडीए इंटैक्ट है, उस एनडीए में एलजेपी ने कह दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे। भैया 3 दशक से यही हो रहा है, जेडीयू कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी फिर बीजेपी के साथ, कभी फिर आरजेडी के साथ, ये इन आउट का खेल क्यों? क्या नीतीश कुमार को नेतृत्व मानेंगे? नहीं, नेता ही नहीं मानते। अगर आपके सह संबंधी, आपके जो साथ वाले लोग हैं, वही नीतीश कुमार को नेता नहीं मान रहे, लोग क्या मानेंगे? नहीं, बिल्कुल नेता मान रहे हैं, और आप निश्चिंत रहिए, इसी नेतृत्व में और यही गठबंधन 20 में सरकार बनाएगी। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, यही गठबंधन सरकार बनाएगी, जनता हमारे साथ है। कौन सा गठबंधन? बीजेपी प्लस जेडीयू, बिल्कुल, और एलजेपी सामने खड़ा कर देगी जेडीयू के सामने उम्मीदवार, तब कहां जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वोटों का बंटवारा एकदम सीधा सीधा होने वाला है, हमारे तरफ वोट रहेंगे और हम चुनाव सरकार, हमारे साथ जनता है। लेकिन मेरी एक निवेदन है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट ये है कि जो मास्क नहीं लगाएगा मैं उसके पास आकर बात नहीं कर सकती। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए प्लीज, इस वक्त मुश्किल दौर है, हम सब उसे गुजर रहे हैं। मेरे पास दूरी का माइक है, लेकिन मास्क लगाइए, मास्क नहीं होगा मैं नहीं आऊंगी आपके पास। मेरे पास धीरज कुशवाहा जी जुड़ गए हैं, ये RLSP से हैं। सर ये बता दीजिए कि RLSP का क्या स्थिति है, कहां जाएगा अब? एक तरफ VIP अलग हो गया, अब VIP, LJP, RLSP और मांझी जी। देखिए 15 साल तो बिहार में RJD का भी सरकार देखा जा चुका है, अब 15 साल NDA का भी। तो मैं यहाँ सारे जितने भी जनता हैं और हमारे नौजवान साथी हैं, अपील करना चाहूँगा कि एक बार माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में आकर आप लोग देखिए कि ये बिहार के लिए बेदाग चेहरे हैं और आने वाला भविष्य है। उपेंद्र कुशवाहा जी किसके साथ जाएंगे? हम लोग तो हैं ही, माननीय मायावती जी भी आशीर्वाद दे ही चुकी हैं कि अगले जो सरकार बनेगा उसके उम्मीदवार मुख्यमंत्री कैंडिडेट वही होंगे। किसके साथ, कितनी सीटों पर? हम लोग 143 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। तो कहां फिर किसी न किसी के साथ अलायंस कीजिएगा ना भैया। हाँ, अलायंस तो है ही, BSP के साथ हमारा अलायंस है। BSP के साथ अलायंस में मान लेगी आपको? सत्ता में ये भी मलाई मारे हैं पंद्रह साल। बताइए जवाब, क्या चाहिए? कोरोना में कहाँ था, महामारी में, कोरोना में? वो तो 10 नवंबर को पता चलेगा। कहाँ थे भैया कोरोना बाढ़ में, कहाँ थे आप लोग कोरोना बाढ़ में? सबसे ज्यादा अगर कोई समय दिए होंगे तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी समय दिए हैं। मार्च से ऑफिस से हो जाता है क्या? पटना की बाढ़ में कहाँ थे आप लोग, कहाँ थे, जवाब दीजिए। एकदम थे हम लोग, जवाब दीजिए। उसका पूरा सबूत है, हम लोग दिखाने का काम नहीं करते हैं, मदद पहुंचाने का काम करते हैं। दिखाने का काम कौन करता है? कौन कर रहा है? करती है NDA करती है, दिखाने का काम करती है। सर फोटो खिंचवाए हैं आप खाली? आप एक बात समझ लीजिए, ये कहां से, और एक बात समझ लीजिए, मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूं कि इसी पटना में, ज्यादा दूर नहीं जाना है, इसी पटना में हमारे तीनों विधायक जिस प्रकार से लोगों के बीच रहे हैं, और लोगों ने देखा है इसको, यहाँ पर ये कार्यकर्ता जो किसी न किसी पार्टी का ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे, पटना की और बिहार की जनता इस वार्ड का सर्टिफिकेट देगी। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, बीजेपी के वर्कर, बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर घूम करके काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर घूम करके काम किए हैं, चाहे वो राशन पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग ने किया है। आज तक मैंने खुद खाना बांटा है, बना हुआ खाना, सूखा खाना का वितरण किया है। कुछ नहीं होना है, और सभी पार्टी के लोग गुम थे, हम, मैं, बीजेपी, सब पूरे कोरोना काल में मैंने खाना बांटा है सबको। एक मिनट, इधर कह रहे लोग एनडीए ने काम किया, ये कह रहे एनडीए ने काम किया, आरजेडी कहाँ थी? एनडीए ने काम किया, आरजेडी कहाँ थी? दिल्ली में, हम बता रहे सुनिए, भैया ये भी कहा जा रहा है, सुनिएगा,
अब सुन लीजिएगा तिवारी जी, मुकेश साहनी से मैं बात करके आई हूँ अभी। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप जी बीमार भी नहीं हुए थे, कल आप जबरदस्ती नाटक किए बेहोश होने का ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना आना पड़े। तो दो भाइयों की नहीं बन रही, आपके घर में नहीं बन रही, जनता का खाक सोचेंगे आप लोग? उनका उनको चिंता है ना तेज प्रताप जी की। हाँ। आखिर इतनी चिंता उनको क्यों है तेज प्रताप जी, तेजस्वी जी, लालू प्रसाद जी के परिवार? चुनाव लड़ना था तो ये चिंता सुनिए, ये चिंता बता रही है कि उनको अपनी चिंता सता रही है। मत पड़े कोई चक्कर में, नहीं है कोई टक्कर में। किसके टक्कर में? बिहार की जनता का ऐलान है। किसके टक्कर में नहीं है? तेजस्वी यादव के टक्कर में, और किसके टक्कर में? एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार बनेगी। अरे सुन लीजिए क्या कर रहे हैं, नारेबाजी करने आए यहाँ पे? भाई आराम से रहिए। जो महिला अपने घर की बहू को नहीं संभाल सकती है, वो देश की महिलाओं को क्या संभाले? मृत्युंजय जी, मृत्युंजय जी, मृत्युंजय जी, एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? मत करिए, ये क्या है? ये तो बहुत बहुत हृदय विदारक है। माफ कर दीजिएगा, ये मुझे दिखाना नहीं चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए ये मुझे, लेकिन ये बहुत हृदय विदारक है। ये कहाँ से? उधर से भी बहते हुए आ रही थी बच्चा, ये डरावना है, ये डरावना है, ये डरावना है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये बहुत डरावना है और इसकी शिकायत सरकार तक पहुंचेगी, इसकी शिकायत सरकार तक पहुंचेगी। बात जवाब दीजिए सर, ये क्या है, ये क्या स्थिति दिख रही है? अभी इसकी स्थिति देख रही है तो इसके लिए एफआईआर होगा, इसके लिए जांच होगी। ये कौन कह सकता है कौन मारा है, कि आरजेडी के मारा है कि बीजेपी का मारा, ये कौन कहेगा? सर सरकार से सवाल पूछेगा। क्या हुआ? कितने मंत्री आपके पकड़ाए गए? पूरे पटना में इसी तरह बच्चा की लाश तैर रही थी उस समय। कहां बाढ़, बाढ़, किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? बाढ़, 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 बाढ़। आरजेडी सरकार में जो बच्चों का अपहरण होता था उसमें कहां इनकी सरकार गई? आरजेडी जवाब दीजिए इसका। क्या, क्या, बच्चों का, बच्चों माताएं राहत है कि हमारे बच्चे सकुशल वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? कितने बच्चों का अपहरण होता था, कितने बच्चे गायब हो गए, उस समय कहां थी इनकी सरकार? आरजेडी जवाब दीजिए। क्या, क्या सवाल, क्या है जवाब? हमारी बेटियों बहुओं का 15 साल पहले निकलना रोड पर दुश्वार था, 7 बजे। आप एक मिनट, आप पर भरोसा नहीं कर पाए, सुरक्षा, सुरक्षा का भरोसा नहीं है महागठबंधन आरजेडी पर। हमें, हमसे कोई हमसे कोई गलती हुई, चूक हुई तो 15 वर्षों तक जनता ने सजा दिया, हम 15 वर्षों से सत्ता से बाहर है। अरे भाई आपका टिकट कन्फर्म हो जाएगा, आपका टिकट कन्फर्म हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। अरे आपका टिकट कन्फर्म हो जाएगा, आप चिंता मत। जनता अब 15 वर्षों का हिसाब जो सरकार में है, वो सरकार जिस तरह से देख रहे मौत तैर रहा है, हम गंगा में कौन मारा है आप बता दीजिए, जवाब बता दीजिए, आप बता दीजिए कौन मारा है, अगर आपको जानकारी है तो माफ कर दिया जाएगा। आपको जानकारी है तो बताइए कौन मारा है, आप बता दीजिए सर, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। जनता का सवाल नहीं है, जो गलती हो गई फिर वही गलती करने के लिए बोलते हैं, फिर वही गलती करने के लिए हम बोलते हैं। क्या ये है, पहले अपने परिवार को बनाए, फिर परिवार के बच्चे को सदस्यों का विकास करेंगे, बस दिख रही है। आप पर आरोप लगता है कि आप सिर्फ अपने परिवार के लोगों का विकास करते हैं भैया। उम्मीदवार है टिकट के, अरे भाई जहाँ नहीं मिल रहा कितनी संभालेंगे थी और आज कितने उम्मीदवार है, कुछ भी है, सवाल का जवाब दे दीजिए ना, संपत्ति थी, सवाल का जवाब दीजिए। मेरा परिवार है 12 करोड़ जनता, 12 करोड़ जनता, बिहार संपत्ति थी और आज कितनी संपत्ति है ये बताए, ये कौन किए थे? सुनिए सुशील, सुनिए सुशील मोदी जी, पटना डूबा तो अपना रूम से निकल के चुपचाप चले गए, लॉकडाउन में भी आए कभी आज तक विरोध किया? सुशील मोदी हंगामा नहीं करिए। क्या करते हो? ये पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ते हो? अभी 12th में है हम लोग। कितने बड़े हो, कितने साल के हो? हम अभी 18 इयर्स के। 18 इयर्स, वोट देने जाओगे ना? जी। क्या सोचे हो, युवा सरकार चाहिए कि पहले के चेहरों पर विश्वास करोगे? पहली बार वोट दोगे ना, पहली बार वोट दोगे? क्या जिंदाबाद, कौन जिंदाबाद? हम
इस बार हम पुष्पम प्रिया जी को हम जिताएंगे। अब भले वो सरकार बने या ना बने, लेकिन हम उसका साथ देंगे। अपना अलग मोर्चा, वो अपना अलग मोर्चा। पुष्पम प्रिया जी के समर्थक हैं, मत ताली बजाइए। सरकार हम लोग बच्चों पर हमेशा जुल्म करते आ रहे हैं। हम लोग को शिक्षा में कोई, एजुकेशन में कोई सुधार ही नहीं ला रहे। जैसे तीन छः महीना से हम लोग का पढ़ाई बंद है, लेकिन सरकार बोले कि हम सिलेबस में कम करेंगे, लेकिन सिलेबस कम नहीं की बिहार बोर्ड का। हम लोग को पढ़ाई के लिए भी वही सिस्टम लगा रखा। सर जवाब दे दीजिए सर। अरे छह महीना से कोरोना है बाबू, और इस छह महीना के कोरोना में अगर सिलेबस का कम है, अभी बोलिए आप इस तरह से डिबेट होगा? इतनी बार नहीं, इतनी बार नहीं, आप बताइए। 2014 आप बताइए। हाफ पेंट के भाग गए इनके नेता। 2014 का जो बिहार एसएससी का वैकेंसी था, अभी तक क्लियर क्यों नहीं हुआ? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सुनिए सर एक बात बता दीजिए, 15 साल आप ये शिक्षा, एक मिनट, 15 साल आप ये शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, यही मुद्दे हैं। देखिए हमने तो 15 साल में हमने जो भी गलतियां हुई हमने माफी भी मांगा हमारे नेता ने, लेकिन ये लोग तो बिहार का बंटाधार कर दिए और अकड़ के वोट लेने के लिए भी तैयार है। अरे इसका हिसाब दीजिएगा ना, शिक्षा क्यों चौपट है, स्वास्थ्य क्यों चौपट है, ये क्यों बह रहा है? ठीक ठीक जवाब देने। आप सुनिए एक मिनट, जवाब सुन लीजिए। सुनिए देखिए देख, अब आप समझिए पार्टी के कार्यकर्ता होगा क्या। हाँ बताइए। देखिए मैं अच्छे दिन कहाँ गए? अच्छे दिन है, महंगाई पर क्या हुआ? अच्छे दिन चले गए। बेरोजगारी पर क्या हुआ? आपके अच्छे दिन चले गए। जनता इसकी चिंता करिए, स्वास्थ्य की जहाँ तक सवाल उठता है, जिस अस्पताल में, जिस अस्पताल बिना काम किए हुए गुनगान कर रहे भैया, कितना गुण। अरे सुनिए ना महाराज, अरे इनको बुलाइए ना यहाँ पर भाई। जिस अस्पताल में गुनगान और सुअर सोता था, उस जिस अस्पताल में लालटेन हो गया, लालटेन में इलाज होता था, वहाँ आज इलाज होता है, वहाँ आज इलाज होता है। ठीक है ठीक है ठीक है। महाराज हम बोल रहे हैं तब क्या बोल रहे हैं? 2015 क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? अरे सुनिए सुनिए, 15 वर्षों 30 वर्ष पहले बात है। 5 लाख वर्ष पहले लंका में घटना घटी थी, गांधी मैदान में पुतला जलाया जाता है। बिहार न भूला है न भूलेगा, बिहार न भूला है न भूलेगा। ठीक है, सरकार को 15 साल से कोरोना हुई है, कोई सरकार बोर्ड एक तीनों विधायक था इनका, नीति नवीन यहाँ का विधायक, एक दिन कोरोना में नहीं दिखा है। इन लोग भ्रष्टाचारी है, जुर्म का पिटारा नीतीश कुमार। ठीक है ठीक है, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? ये मुंह पे मास्क लगाइए, मास्क लगाइए, मास्क लगाइए, मास्क लगाइए। नारेबाजी नहीं, नारेबाजी नहीं, नारेबाजी नहीं। एक मिनट, एक मिनट, मैं रोजगार के लिए एक बात कह देता हूँ, कम से कम नौकरी देने के नाम पर जमीन नहीं लिखवाया जाता है, नौकरी देने के नाम पर चली गई, घूस नहीं लिया जाता है, कुछ जमीन लिखवाया गया, नौकरी देने के नाम पर पैसा लिया गया हुआ है। सीएम हाउस करोड़ों लोग बेरोजगार हुए, ये रोजगार की बात करते हैं? 15 वर्ष में कहाँ रोजगार है? बिहार का कोई चीनी मिल खुला क्या 15 वर्ष में? आपके टाइम पे कितना काम होता था देखा है लोगों ने? तेजस्वी जी ने कहा है, तेजस्वी ने कहा 10 लाख नौकरियां देंगे, भैया कैसे देंगे? महागठबंधन में थे नीतीश कुमार, कहाँ थे 2015 में? व्यवसायी 6 बजे दुकान बंद करके घर चला जाए करते थे। 10 लाख नौकरी कहाँ से देंगे? पहले हस्ताक्षर से 10 लाख जी नौकरी के लिए कहाँ से देंगे भैया? कहाँ से देंगे? ये बच्चे कह रहे एग्जाम नहीं होते, ये बच्चे कह रहे वैकेंसी नहीं है। 15 वर्षों का है, नौकरी दीजिएगा, चारा खा जाइएगा, फैसला इस पर होगा कि इन्होंने क्या किया। 15 वर्ष में क्या किया, फैसला इस पर होगा क्या किया। आप क्या करोगे बताओ, वो नहीं आप क्या करोगे बताओ, हम करेंगे क्या वो बाद में बताएंगे। इन्होंने क्या किया है जनता इसकी जवाब मांग रही है ना, जनता पहले ये जवाब मांग रही है, ये जवाब दीजिए, ये जवाब देना पड़ेगा। 2015 का, अरे 2015 का जनादेश क्या हुआ? 2015 का जनादेश कहाँ गया? 2015 का जनादेश का जवाब नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। 2015 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन से जनादेश लिया था,
बीजेपी को बिहार की जनता ने 2015 में बिजली दिया है, घर घर में हरा दिया, हटा दिया। ये नीतीश कुमार 2015 में जनादेश लेकर के महागठबंधन के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बने, अब बीच में जनादेश को चोरी करके ले गए और जाके भाजपा से मिल करके सरकार चला रहे हैं। ये चलने वाली नहीं है। 2020 में तो जनता जवाब मांगेगी, आपसे संभल नहीं सके तो हम क्या करें? जवाब मांगेगी, ये चलने वाला नहीं है। आपसे संभल नहीं सके तो हम क्या करें? फिर चले आप अपना रूप दिखाने लगे तो चले। मृत्युंजय जी से मेरा सवाल ये है कि सब दिन महागठबंधन के लोग, उसमें कांग्रेस भी शामिल है, बिहार में MY समीकरण का बात आते रहा, अल्पसंख्यकों की बात होती रही है, लेकिन कल इन्होंने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें अल्पसंख्यक के एक भी नेता इनके लायक नहीं था इनके पार्टी में, जिसको ये मंच पर बैठा सकते थे। यदि अगर महागठबंधन 40 सीट से कम अगर देती है मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय को, ठीक है, तो ये सारे लोग प्रत्याशी चुनेंगे, पार्टी नहीं चुनेंगे। जवाब दीजिए। ये कोई मुद्दा नहीं है हमारे पास। अरे वोट लेते हैं, अल्पसंख्यक नेता है, भाई साहब वोट लेते हैं, वोट लेते हैं, परिवार का लोग हैं। देखिए हमको अल्पसंख्यक नेता को तो बैठा लेते, हमको चिल्लाना नहीं है, हमारा जनता के साथ करार है। MY समीकरण की बात आप ही की पार्टी करती थी सर, हमारा A to Z का समीकरण, MY समीकरण, हमारा MY समीकरण। अगर छोटा बच्चा भी होगा तो समझना है। जवाब दीजिए, इनको बाहर कीजिए, पहले ये बाहर कीजिए, बेकार का चिल्ला रहे। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। MY मेरे पास माई भी है, बाप भी है, दादा भी है, दादी भी है, बेटा भी है, बेटी भी है, इसलिए ये MRY का मत कीजिए चक्कर में। हमने कह दिया, जवाब दिए, मिल गया आपको? हाँ, जवाब कहाँ वो दिए, जवाब तो दिए नहीं। इन्होंने 17% मुस्लिम आबादी है, उस दृष्टिकोण से क्या विधायक अभी है विधानसभा में? ये शाहनवाज हुसैन जी के साथ रहते हैं, इसीलिए जो है ये सवाल सब लोग के साथ। क्या बात है, हम एक जनता है, यही गलत है RJD का। हमारे पास रहते हैं, हमारे पास अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसा बड़ा नेता है, काहे नहीं मंच पर बैठा है? आम जनता है, ये किसी पार्टी के नहीं है। क्यों नहीं मंच पर बैठा है? इनको नहीं पता है कि कौन लड़ाई लड़ रहा है सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, कौन लड़ाई लड़ रहा है अकलियतों की, सांप्रदायिक लड़ाई लड़ रहा है दलितों की, परिवार का विकास करना है। सबसे बड़ी बात ये, सबसे अहम बात ये, मैं तमाम मेहमानों को फिर बुलाऊंगी, बात मुद्दों पर होगी, सड़क, पानी, बिजली, रोजगार, कोरोना, प्रवासी मजदूर, पलायन कहाँ गया, कहाँ गया? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ खड़े सब लोग और यहाँ की जनता हर वक्त जाति, धर्म, क्षेत्र देखकर वोट देती रही। ये आपको सोचना है कि आपको जाति देख के नहीं, आपको मुद्दों पर वोट देना है, आपको भरोसा उस आदमी पर करना है जो आपको आपके भरोसे पर खरा उतरे, जो आपको सुविधा दे पाए, जो आपको सुविधा देने के साथ साथ आपकी सुरक्षा का भरोसा दे पाए। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। और इस वक्त एनकाउंटर में, इस वक्त एनकाउंटर में फिर बता दूं, बिहार का विकास बिहार की आगे आने वाली चुनी सरकार करेगी। उस सरकार को चुनिए जो आपके भरोसे पर खरा उतरे, उसे नहीं जो आपके क्षेत्र, आपकी जाति, आपके धर्म की बात करे। दूर रहिए ऐसे लोगों से, और मतदान आपका अधिकार है। इसके साथ साथ चाहे कहीं जाकर शो करें, हमारी ये निवेदन है कि आप लोग कोरोना के वक्त पे अपना ख्याल रखिए, दूर रहिए, नहीं तो ये मुश्किल दौर है, इससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त अहम खबर ये है कि BJP और JDU के इस NDA इंटैक्ट में LJP ने साफ साफ कह दिया है कि नीतीश के नेतृत्व में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम BJP के सामने गठबंधन धर्म का ख्याल रखते हुए उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, लेकिन JDU के सामने हम उम्मीदवार उतारेंगे। यानी जो एक हवा महागठबंधन का था वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी के सामने फूटा, और दूसरा NDA के इंटैक्ट होने का दम भरते नेता भी आज बगले झांक रहे होंगे। फिलहाल एनकाउंटर में इतना ही, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। और इस गंगा के घाट पर खड़े लोग, ये नेता, इनको ये समझ जाना चाहिए कि ये गंगा साक्षी है यहाँ के विकास की और यहाँ किए गए वादों की। अगर नहीं किया तो जवाब यहाँ की जनता देगी। फिलहाल इतना ही, हर रोज शाम एनकाउंटर लेकर पटना से, बिहार से हम आपके साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान का ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर करिए क्लिक और देश और दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।